सावले जी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी से अब कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी का नहीं। बिहार के किसानों के लिए कुछ बोलिएगा, सूखा में कुछ लगता है कि आप देखिए, बिहार सरकार जब जब घोषणा पिछले 5 दिनों से कर रही है कि आज बारिश होने वाला, होता ही नहीं। अब तो इतने ये लोग, सारा टेक्नोलॉजी इनका फेल हो चुका, और जैसे ही बिहार सरकार कहती है बारिश होना है वैसे ही बारिश बंद हो जाती है। हम तो इंद्र भगवान से आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जल्दी बारिश हो कि बिहार के किसान खुशहाल हो सके। का जो कार्यकाल बढ़ा है उस पर आज की यात्रा करनी चाहिए। बिहार में कटिहार में घटना घटी, बेगूसराय में बहन, हमारी एक बहन को, दलित बहन की के साथ अत्याचार किए गए। अररिया में एक पति के सामने एक बहन के साथ बलात्कार किए गए, इसके लिए कोई नहीं आता है। बंगाल में हमारी एक बहन जब चुनाव लड़ रही थी तो उसको नंगा करके पीटा गया, उसके लिए कोई नहीं आता है। तो विरोधी दल के नेताओं से जरूर आग्रह करेंगे कि आप यदि मणिपुर गए हैं तो बिहार और बंगाल भी आकर एक डेलीगेशन लोगों से मिलने का काम कीजिए। और पटना में तो 13 तारीख को जिस तरह लाठीचार्ज हुआ, ये सब आप लोगों ने देखा। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह किया है कि इस पर कार्रवाई कीजिए। हम ह्यूमन राइट्स में भी जा रहे हैं, महिला आयोग की टीम आई थी, और ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी हम आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ टीम भेजे। कुछ स्टैंड चेंज हो गया है, तो चोर होते हैं उसको यही सब दिक्कत होती है। भ्रष्टाचारियों को कष्ट होगा, भ्रष्टाचारियों पे वार होगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद और विधायक मिल रहे हैं कि जनता नकार चुकी है। नीतीश कुमार जी 2024 और 25 में पूरी तरह राजनीतिक तौर पर फिनिश होंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।